अस्सलामु अलैकुम मम्मी जायका में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी प्याज की सब्ज़ी। अगर आपने एक बार मेरे तरीके से ये सब्ज़ी बना ली, यकीनन आप हर बार इसी तरीके से इसे बनाना पसंद करेंगे। तो आप एक बार ज़रूर इसे बनाएं। बनाने के बाद मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और पास ही में बेल आइकॉन का बटन है उसे भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मसालेदार और स्वादिष्ट भिंडी बनाने के लिए ये हमने 300 ग्राम भिंडी लिए, इसको 1 से 1.5 इंच के टुकड़ों में काट लिया है। 3 हमने प्याज लिए, प्याज के जो ऊपर वाला भाग है उसके इस तरह से पैटल निकाल लिए, यानी हमने प्याज के 4 भाग करे और उसमें से ये पैटल निकाल लिए और बीच वाला भाग ऐसे ही रहने दिया। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे, इसके अंदर प्याज के बीच वाले भाग को ऐड करेंगे, 6 से 7 करी लहसुन की डालेंगे और 4-5 हरी मिर्च डालेंगे। इसको हमें दरदरा पीस लेना है। प्याज, हरी मिर्च और लहसुन को हमने दरदरा पीस लिया है। अब हम एक पैन के अंदर 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल गरम हो गया, प्याज के पेटल्स डालेंगे इसके अंदर। इन प्याज के पेटल्स को हमें 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। प्याज के पेटल्स को हमने मीडियम हाई फ्लेम पर 80% जितना फ्राई किया है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। इसी पैन और इसी ऑयल के अंदर अब हम भिंडी ऐड करेंगे। भिंडी के अंदर हम 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे। भिंडी का कलर इससे बहुत बढ़िया आता है और इसे हम लगभग 5 मिनट के लिए भून लेंगे। भिंडी को ऑयल के अंदर भूनने से इसके अंदर का जो चिपचिपापन होता है वो सारा निकल जाता है और भिंडी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। भिंडी भी बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गई है, इसको हमने लगभग 90% जितना पकाया। अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए, इसमें बिल्कुल भी चिपचिपाट नहीं है। इसी पैन के अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल और डालेंगे। ऑयल के अंदर 1 टीस्पून जीरा और 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे। जीरा अच्छे से तड़क गया, अब हम पिसा हुआ मसाला ऐड करेंगे। पिसे हुए मसाले को हमने 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। अब हम इसके अंदर 1 पिसा हुआ टमाटर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरे का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून अमचूर पाउडर डालेंगे। 2-3 मिनट के लिए इसको भी हमें अच्छे से भून लेना है। सारे मसालों को हमने तेल छूटने तक अच्छे से भून लिया। अब हम इसके अंदर 1 कप के लगभग पानी ऐड करेंगे। पानी में थोड़ा सा उबाल आने देंगे। अब हम इसके अंदर फ्राई की हुई भिंडी डालेंगे और ये एक बड़ी साइज़ का टमाटर था, इसको हमने लंबा लंबा काट लिया, ये भी ऐड करेंगे। मसालों में इसको अच्छे से मिला लें। ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। भिंडी को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर प्याज के पेटल्स ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, अच्छे से मिला लें। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ये भिंडी, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। ढक्कन लगा के 2-3 मिनट के लिए और पकाएंगे। ये देखिए, भिंडी अच्छे तरीके से पक गई है। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो आप मेरी इस टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। पसंद आए तो लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।